हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा अगला अध्याय अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन। सामान्य शब्दों में वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है। इसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। खनिज मानव सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। सभ्यता एवं संस्कृति के आर्थिक विकास का प्रारंभिक चरण से लेकर वर्तमान तकनीकी युग तक मानव ने खनिज का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया है। आज का युग औद्योगिक युग है। खनिज संसाधन को आधुनिक औद्योगिक युग की रीढ़ कहा जाता है। सामान्य रूप से जो भी हम लोग खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको हम लोग खनिज करते हैं। जैसे कि लोहा के लिए भी हम लोग धरती को खोदते हैं, या फिर हो गया हम लोग सोना कोयला, ये सब हम लोग खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं। खनन मतलब खोदना हो जाता है, धरती को खोदना। तो उससे जो भी हम लोग प्राप्त करते हैं सब खनिज कहलाता है। पेट्रोलियम भी खनिज हो गया, कोयला सोना चांदी हो गया, या फिर लोहा हो गया, ये सभी खनिज में आएंगे। तो खनिज वे सभी पदार्थ हैं जिनका मानव प्रारंभ से ही, जब मानव की संस्कृति या सभ्यता प्रारंभ हुई तब से ही किसी न किसी रूप में अपने विकास के लिए यूज करते आ रहा है। तो आज का जो युग है वह औद्योगिक युग है, और खनिज संसाधन को आधुनिक उद्योग का जो है रीढ़ कहा जाता है। फिर आगे देखिए, खनिज समान रूप से सभी जगहों पर वितरित नहीं है। अलग अलग चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां से आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे महासागरों की तली, अंटार्कटिका, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र आदि। तो खनिज जो है सब जगह समान रूप से वितरण नहीं है। अब सब जगह पेट्रोल तो मिलता नहीं है, या फिर सब जगह कोयला नहीं मिलता, उसी प्रकार सब जगह सोना नहीं मिलता। तो सबका अपना अपना स्थान है। कि अगर झारखंड है तो झारखंड का जो पठारी भाग है तो इसमें अधिकतर कोयला या फिर अभ्रक मिलेगा। तो वहाँ का जो क्षेत्र है उसके आधार पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस प्रकार का खनिज मिलेगा। और कुछ कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनको प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है, जैसे कि महासागरों के तल में स्थित कोई खनिज हो गया, या फिर अंटार्कटिका जैसे दुर्गम क्षेत्र में कोई खनिज हो गया। तो इन सबको प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आगे देखिए, खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों व विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो खनिज के अपने अपने प्राकृतिक गुण होते हैं, जैसे कि हम लोग अलग अलग चेहरा, जैसे हम लोग का हर इंसान का अलग अलग चेहरा होता है, कोई कोई का दो का सेम हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार खनिज का भी जो चेहरा होता है वो अलग अलग, जैसे कि कोयला जो है वो काला दिखाया जाता है, हीरा थोड़ा चमकता है, सोना भी थोड़ा पीला जैसे दिखेगा और चमकेगा, पेट्रोल भी उसी प्रकार से तरल के रूप में होगा। तो जो खनिज होता है अलग अलग उसका गुण होता है। फिर आगे देखिए, खनिज के प्रकार पृथ्वी पर 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से लगभग 100 खनिज ही अयस्क समझे जाते हैं। अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जिसका उपयोग उद्योग में किया जाता है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक और अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लोह एवं अलोह। जो हमारी पृथ्वी है जिसे हम अपनी जननी के नाम से भी जानते हैं, इसमें लगभग 2800 से भी अधिक प्रकार के खनिज की पहचान की गई है, परंतु इसमें से लगभग 100 ही खनिज या फिर खनिज ऐसे हैं जिनको हम लोग अयस्क समझ सकते हैं। अयस्क मतलब अयस्क वैसे खनिज को बोलते हैं जिसको हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं, जिसके लिए हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। जैसे कि 100-200 फीट कोड़ लिए तो हम लोग को मिल गया, तो वैसे खनिज को हम लोग अयस्क बोलते हैं। और जो संरचना है उसके आधार पर यदि हम लोग खनिज का वर्गीकरण करेंगे तो उसको हम लोग दो प्रकार से मुख्यतः विभाजित करेंगे, पहला धात्विक और अधात्विक। देखिए खनिज को यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया, दो प्रकार से बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक में दो आ जाते हैं, लोह और अलोह। फिर देखते हैं आगे, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। इनमें चमक होती है। लोह अयस्क मैग्नीज बॉक्साइड अयस्क इसके उदाहरण है। जिस धात्विक खनिज में लोह अंश की प्रधानता होती है उसे लोह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लोह अयस्क मैग्नीज इत्यादि। अलोह धातुओं में लोह तत्व नहीं होते हैं, जैसे सोना चांदी सीसा इत्यादि। जिन खनिजों में धातु नहीं पाई जाती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, चूना पत्थर अभ्रक जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है, लेकिन इनके जलने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अतः इसे ऊर्जा खनिज भी कहा जाता है। तो
जिन खनिजों में अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है उसे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे आप लोग बचपन में जो है बालू में चुंबक लेके जाते थे तो उसमें कुछ कुछ चिपक जाता था, तो उसको हम लोग धातु बोलेंगे। तो धातु इसे मतलब धातु खनिज उसको बोलेंगे जो कठोर होती है या फिर वो विद्युत का सुचालक होती है या फिर ऊष्मा का सुचालक होती है या फिर इसमें चमक होता है। जैसे कि अयस्क हम लोग मान लेते, लोह अयस्क जिससे हम लोग लोहा प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट अयस्क हो गया, ये सभी क्या है, धात्विक खनिज है। इससे हम लोग धातु की प्राप्ति करते हैं। और वैसे जबकि कुछ जो धात्विक खनिज होते हैं वे ऐसे होते हैं जिनमें जो लोह तत्व है वे बहुत अधिक मात्रा में जो नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि सोना हो गया। सोना का जो अयस्क होता है उसको बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करना पड़ता है, तब जाके हम लोग को थोड़ा सा जो सोना की मात्रा होती है वह प्राप्त होती है। और जिन धातुएं, जिन खनिजों में जो है वह धातु नहीं पाई जाती है उनको हम लोग अधात्विक खनिज बोलते हैं, जैसे कि चूना पत्थर हो गया या फिर अब्रक हो गया या फिर जिप्सम हो गया। ये जो खनिज है इनमें हम लोग को लोह तत्व की जो प्राप्ति होती वह नहीं होती है। जबकि जो खनिज ईंधन है जैसे कोयला हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, ये भी अधात्विक खनिज है, परंतु इसके जलने से हमें ऊर्जा मिलती है, इसीलिए हम लोग इसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। फिर आगे देखिए, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिजों को खनन प्रवेदन एवं आखनन विधि द्वारा निकाला जाता है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृथ्वी के ऊपरी स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, विवृत खनन या खुला खनन कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निपेक्षों तक पहुँचने के लिए गहन वेधन विधि अपनाई जाती है, इसे कूपकी खनन भी कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, इसे निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से गोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। तो पृथ्वी के जो अंदर दबा हुआ है जो भी खनिज है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। खनन जो खनिज होता है उनका खनन या फिर प्रवेदन या फिर आखनन विधि द्वारा हम लोग खनिज को प्राप्त करते हैं। जो खनिज जो कम गहराई में होते हैं, मान लीजिए कि 100 फीट हो गया, 50 फीट हो गया, 80 फीट हो गया, इसको पृथ्वी के सतह को हटाकर निकाले जाते हैं, इसको विवृत खनन बोलते हैं या फिर खुला खनन बोलते हैं। जैसे कुआं हो गया, तो कुआं हम लोग ज़्यादा नहीं 15-20 फीट गड्ढा कोरते हैं तो हम लोग को पानी मिल जाता है, तो हम लोग इसको खुला खनन बोल सकते हैं। पानी प्राप्त करना नहीं, अगर पानी के जगह उसी के स्थान पर अगर कोयला हो गया या फिर पेट्रोल हो गया तो इसको हम लोग बोल सकते हैं खुला खनन, या फिर सोना का खान हो गया तो इस सबको हम लोग बोलेंगे खुला खनन। जैसे कि कोयला का खान हो गया तो उसको हम लोग खुला खनन बोलेंगे। जबकि अधिक गहराई में स्थित, जैसे कि हम लोग चपाकल के द्वारा भौम जल को प्राप्त करते हैं, तो इस विधि के द्वारा जैसे कि पेट्रोल निकालना है तो हम लोग को ढेर गहराई तक पाइप डालना पड़ता है, फिर वहाँ से पेट्रोल निकालना पड़ता है, तो इसको हम लोग कूपकी खनन बोलते हैं। मतलब कुआं के जैसे हम लोग एक पाइप डाल लिए गोल सा पाइप, और उसके द्वारा जो है हम लोग खनिज की प्राप्ति कर रहे हैं। इसके द्वारा हम लोग पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस को धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं उसको प्राप्त करते हैं। और जो गहन कूप है इसकी जो खुदाई की जाती है इसे हम लोग प्रवेदन करते हैं, कूपकी खनन या फिर प्रवेदन कहते हैं। फिर आगे देखिए, सतह के निकट स्थित खनिज, मतलब जो सतह से बहुत ही सामने है यदि उसको हम खोद कर निकाल लेते उसे आखनन कहेंगे। यहाँ देखिए एक चार्ट दिया हुआ है खनिजों का निष्कर्षण, जिसमें पहला में है खनन, दूसरा में है प्रवेदन और आखनन। तो खनन किसे कहेंगे, हम लोग आसानी से जिसको ज़्यादा गहराई खोदना ना पड़े और मिल जाए। प्रवेदन मतलब कूपकी खनन, जो बहुत गहराई पर है तो उसको यदि हम लोग खनन के द्वारा प्राप्त करेंगे तो प्रवेदन कहेंगे। और आखनन मतलब जो सतह के ऊपर ही है, आसपास है, उसको हम लोग आखनन कहते हैं। फिर खनन में ही दो प्रकार से आ जाते हैं, विवृत खनन और कूपकी खनन। फिर देखिए विश्व में खनिज का वितरण, विश्व में खनिजों का वितरण, खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज मुख्यतः आग्नेय तथा कायांतरित शैल समूहों में पाए जाते हैं, जबकि अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज एवं ईंधन खनिज की प्रधानता पाई जाती है। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि प्रदेश विशेष की शैल संरचना में अंतर होता है। विश्व के उन सभी प्रदेशों में जहाँ प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित शैल पाए जाते हैं वहाँ लोहा, तांबा, मैग्नीज जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में दक्कन का पठार, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील का पठार लोह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैदानों एवं नवीन वलित पर्वतों के क्षेत्रों में चूना पत्थर खनिज ईंधन जैसे खनिज पाए जाते हैं।
तो विश्व में खनिज का जो वितरण होता है वह इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं। यदि वहाँ पर आग्नेय सेल या फिर कायांत्रित सेल के समूह पाए जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को धात्विक खनिज मिलेंगे, जबकि यदि वहाँ पर अवसादी सेलों के समूह पाए जाते हैं तो हम लोग को या तो ईंधन खनिज की प्राप्ति होगी, मतलब ईंधन वाले खनिज की, या फिर अधात्विक खनिज की प्राप्ति होगी। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि हर जगह जो है जो पत्थर है उसकी संरचना अलग अलग है। हम लोग जानते हैं कि पत्थर या फिर ज़मीन हो गया, इसी को खोदकर हम लोग जो है खनिज की प्राप्ति करते हैं। विश्व के वे स्थान जहाँ पर आग्नेय या फिर कायंत्रित सेल पाए जाते हैं वहाँ पर लोहा, तांबा, मैग्नीज जैसे धात्विक खनिज बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जो भारत का दक्कन का पठार है या फिर दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील का पठार हो गया, यह लोह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ जो मैदान हो गए या फिर नवीन वलित पर्वत हो गए जो अभी ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, तो वैसे क्षेत्रों में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया ईंधन के लिए खनिज हो गया या फिर हो गया चूना पत्थर हो गया, तो जो जिस खनिज के द्वारा हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे कि कोयला हो गया या फिर घर आसपास को रंगने के लिए चूना पत्थर इत्यादि। तो मैदान जो होते हैं या फिर नवीन वलित पर्वतों से हमें चूना पत्थर खनिज या फिर जो ईंधन खनिज होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। फिर आगे एशिया। एशिया में भारत एवं चीन लोह अयस्क तथा कोयला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। मध्य पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत आदि देशों में खनिज तेल के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, टिन इत्यादि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत भी एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो एशिया महाद्वीप में भारत एवं चीन है, इसमें लोह अयस्क और कोयला जो है प्रमुख प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यही जो देश है वह सबसे ज़्यादा लोह अयस्क उत्पादन या फिर कोयला उत्पादन देश है। जो चीन है विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। फिर जो मध्य पूर्व देश हैं जैसे हो गया सऊदी अरब, इराक हो गया या फिर ईरान, कुवैत, ये सब देशों में प्रचुर मात्रा में जो है पेट्रोलियम या फिर खनिज तेल पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, टिन इत्यादि जो होते हैं एशिया में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर देखिए अगला है यूरोप। यूरोप में देखिए यूरोप सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम तथा आइबेरियन प्रायद्वीप से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक खनिज पेटी का विस्तार है। आइबेरियन प्रायद्वीप दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में स्पेन एवं पुर्तगाल में विस्तृत है। इन क्षेत्रों में लोह अयस्क, कोयला, लवण, पोटास इत्यादि का भंडार पाया जाता है। जर्मनी में रूर घाटी कोयला तथा रूस में यूराल पर्वत लोह अयस्क के भंडार एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यूरोप का जो यूनाइटेड किंगडम है या फिर आइबेरियन प्रायद्वीप है यहाँ पर, या फिर यूराल पर्वत हो गया, ये सबको वहाँ का खनिज पेटी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो आइबेरियन प्रायद्वीप दक्षिणी पश्चिमी यूरोप हो गया या फिर स्पेन एवं पुर्तगाल हो गया, यहाँ तक जो है यहाँ खनिज पेटी का विस्तार है। जो यूरोप है इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, लवण हो गया, पोटास इत्यादि जो खनिज है इनका प्रचुर मात्रा में जो है वो भंडार है। जर्मनी का जो रूर घाटी हुआ कोयला तथा रूस में यूराल पर्वत लोह अयस्क एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग देखे होंगे जो द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी हार गया तो वह वहाँ के रूर का जो इलाका था उसको ले लेता है, क्योंकि वह जो रूर इलाका है वह बहुत ही ज़्यादा कोयला एवं लोह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र था। फिर आगे देखिए उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मध्यवर्ती कनाडा से लेकर मैक्सिको तक विवृत खनिज पेटी का विस्तार पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत कोयला भंडार एवं उत्पादन के प्रसिद्ध हैं। इसी तरह महान झील प्रदेश में स्थित सुपीरियर झील लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको चांदी तथा कनाडा में यूरेनियम मिलता है। फिर देखिए उत्तरी अमेरिका में जो मध्यवर्ती कनाडा है और मैक्सिको है, तो इन दोनों के बीच में एकदम बहुत ही प्रचुर मात्रा में खनिज का जो है वह विस्तार हुआ, मतलब विस्तार पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें अपलेशियन पर्वत है, तो उसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोयला प्राप्त होता है।
इसी तरह जो महान झील है सुपीरियर झील, जिसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भी कहा जाता है, यह भी लोह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ जो मैक्सिको है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चांदी प्राप्त किया जाता है, और कनाडा में सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग दक्षिणी अमेरिका का देखेंगे, फिर अफ्रीका का देखेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे, फिर आगे है अंटार्कटिका और झारखंड के खनिज का वितरण। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।